आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के फीचर्स के बारे में। क्या उनमें समानताएं हैं और क्या उनमें भिन्नता है। कौन से फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे, वो हैं बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। इन तीनों के ऊपर हमने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया है, पहले आप उसको देख लीजिए और फिर यहाँ आते हैं। एक लाइन में, बैंक रेट क्या होता है? जब कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार लेता है तो जो रेट उसको लिया जाता है उसको बैंक रेट कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जब सेंट्रल बैंक खुद बाजार में उतरकर सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स खरीदता है और बेचता है। और कैश रिजर्व रेशियो क्या है? वो रिजर्व जो अपने बैलेंस में से हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अलग कैश के रूप में रखना पड़ता है, बाकी का अवेलेबल कैश वो उधारी में दे सकता है। तो ये हमने आपको एक लाइन में इन तीनों का मतलब बताया। आज अब हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि ये हैं क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं जी कॉमन फीचर्स, इनमें क्या समानताएं हैं, इन तीनों क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स का क्या एक जैसी चीजें हैं। सबसे पहला है, ये है ऑब्जेक्टिव और इनडिस्क्रिमिनेटरी। ऑब्जेक्टिव माने जो इनका उद्देश्य है, ये अपने उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटरी, जो क्रेडिट कंट्रोल करते हैं उसका, उस पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है, आरबीआई उस पैसे से क्या कर रहा है, इनको इससे लेना देना कोई नहीं, अपने मुद्दे की बात है। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इस क्रेडिट से ये करो या इस क्रेडिट से वो करो। अब ये जो पैसा हमने स्क्वीज किया है, हमने देश में पैसा रोका है, इस पैसे को वहां नहीं लगाओ, वहां लगाओ, इस तरह की कोई बात नहीं होती है इन तीनों में। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, अपने मुद्दे पर रहते हैं और कोई फर्क भेदभाव जो है उस पैसे को लेकर नहीं किया जाता कि उस पैसे को जो हमने बचा दिया या जो हमने बढ़ा दिया देश में उसका क्या करना है, कुछ नहीं। सेंट्रल बैंक को ये तीनों हेल्प करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। देश में हर इंसान के पास अगर इन्फ्लेशन हो रही है, पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो हमारे रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर लगाम लगानी होती है। उसको कहते हैं कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, उस पैसे पर लगाम लगाने में ये तीनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है सेंट्रल बैंक को। तो ये हेल्प करते हैं सेंट्रल बैंक को कि देश में पैसे की स्थिति को मजबूत करने के लिए कभी बढ़ाना पड़ता है तो कभी स्क्वीज कम करना पड़ता है। ये तीनों ही मेजर्स इस बात की कोई अहमियत नहीं देते कि जो तो क्रेडिट है, जो ये पैसा है, इसको कहाँ यूज करना है, इससे इनको लेना देना, जैसे हमने आपको बताया, कोई नहीं। ये सिर्फ अपना काम करते हैं। कभी तो देश में पैसे के विस्तार करना है पैसे का, तो वो भी हो जाता है, और कभी उसको कम करना है तब भी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, ऑल ऑफ देम इफेक्ट द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये तीनों जो हमारे मेजर्स हैं, बैंक रेट, ओएमओ और कैश रिजर्व रेशियो, इनका एक ही काम है, ये कैसे अपना काम करते हैं, सीधा वार होता है कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व के ऊपर। देखिए, देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए कभी कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व को कम करना पड़ता है और कभी बढ़ाना पड़ता है। दोनों तरफ से, कम करने के लिए भी बढ़ाने के लिए भी, ये तीनों के तीनों कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व के ऊपर धावा बोलते हैं। तो ये देखिए, हमने समानताएं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनडिस्क्रिमिनेटरी हैं, अपने काम से काम रखते हैं और देश के कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व को अफेक्ट करते हैं। उससे ये सेंट्रल बैंक की मदद करते हैं कि हमने कैसे देश की स्थिति को मजबूत करना है। आगे बढ़ेंगे, बैंक रेट, ओएमओ और वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो में असमानताएं, डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैंक रेट है, यह एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्टली हम क्रेडिट कंट्रोल नहीं करते हैं बैंक रेट के साथ। इनडायरेक्ट तरीका है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कंट्री के, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने का ये इनडायरेक्ट तरीका है। सबसे पहले ये कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक को अफेक्ट करता है। बैंक रेट अगर बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक्स को
जो उधारी लेनी है सेंट्रल बैंक से वो भी महंगी हो जाएगी। जब वो उधारी लेनी महंगी हो जाएगी तो जो कमर्शियल बैंक ने और उधार देना है वो भी लोगों को, मेरे और आपके जैसे आम इंसान को, वो भी महंगा हो जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है कंट्री के वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने का। सबसे पहले कमर्शियल बैंक के ऊपर वार किया जाता है, उसकी उधारी को महंगा या सस्ता बनाया जाता है, उसी के बेस पर वो कमर्शियल बैंक आम इंसान को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर उधार देगा। अगर उसको सस्ता उधार मिल रहा है सेंट्रल बैंक से तो वो भी सस्ता ही उधार आगे देगा, उसको महंगी उधारी मिल रही है तो वो भी महंगी ही उधारी देगा। तो हमने देखा कि ये जो बैंक रेट है ये एक इनडायरेक्ट मेथड है देश में क्रेडिट को कंट्रोल करने का। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट से ज्यादा डायरेक्ट मेथड कहलाता है। दिस इज अ मोर डायरेक्ट मेथड to influence the volume of credit in the country. ये सीधा वार करता है commercial bank के cash reserve के ऊपर, और indirect तरीका bank rate था, ये एक direct तरीका है। तीसरा है variable cash reserve ratio, जो इन तीनों में से direct है। इसका वार सीधा एकदम volume of credit in the country, इससे control किया जा सकता है। This is the most direct method to control the volume of credit in the economy. It directly influences the cash reserves of the commercial bank. ये घूम फिर वाला तरीका नहीं है, सीधा सीधा cash reserve ratio बढ़ा दीजिए, commercial bank के पास थोड़ा ही पैसा बचेगा loan देने के लिए, तो आपका volume of credit control हो जाएगा। आपको volume of credit बढ़ाना है तो cash reserve ratio को कम कर दीजिए, commercial bank के पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो ज्यादा उधारी दे देगा। तो पहले पॉइंट में हमने देखा सबसे ज्यादा डायरेक्ट तरीका है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, फिर ओपन मार्केट और फिर बैंक रेट पॉलिसी। काम तीनों का एक ही है, तीनों से आप अपना उद्देश्य कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर इनकी असमानताएं डिस्कस की है। आगे बढ़िए, बैंक रेट पॉलिसी डज नॉट प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट ऑन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। एकदम इफेक्ट जो है बैंक रेट पॉलिसी का वो नहीं आता, इमीडिएट इफेक्ट नो। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये अफेक्ट करता है कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को, बैंक रेट से ज्यादा अफेक्ट करता है, बाय द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। Success of OMO depends upon the existence of a well-developed securities market in the economy. अगर किसी देश में securities market ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग securities में invest करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये जो open market operation है, ये एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद तरीका रहता है, अगर वहाँ पर securities market developed हैं। अब आई टर्न कैश रिजर्व रेशियो की, ये इमीडिएट इफेक्ट ऑन द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक करता है। तो ये जो हमारा दूसरा पॉइंट था ये कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक को लेकर था। सबसे ज्यादा तेज प्रभाव कैश रिजर्व रेशियो का पड़ता है कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक के, उससे कम ओपन मार्केट ऑपरेशन का और बैंक रेट पॉलिसी का प्रभाव तो होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो उसको टच ही नहीं करता, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम प्रभाव जो है वो बैंक रेट पॉलिसी डालता है। अगला पॉइंट, बैंक रेट पॉलिसी तब सूटेबल है व्हेन ओनली मार्जिनल चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये इमीडिएट प्रभाव तो डालता नहीं है, तो ये कब फायदेमंद रहता है सेंट्रल बैंक को अप्लाई करना, जब कैश रिजर्व में थोड़ी 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 ना आगे बराबर थोड़ी सी चेंज करनी हो तब बैंक रेट अपनाया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन तब अपनाया जाता है जब थोड़ी सी एडजस्टमेंट, ज्यादा नहीं मैं बोल रही, मार्जिनल एडजस्टमेंट करनी हो कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। और कैश रिजर्व रेशियो तब काम में आता है, तब फायदेमंद रहता है जब बड़ी चेंजेस करनी हो, वे लार्ज चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जो है हमारा पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। फ्लेक्सिबल मतलब फटाफट आप चेंज कर सकते हो कि फटाफट आप चेंज नहीं कर सकते हो। बैंक रेट पॉलिसी एक फ्लेक्सिबल तरीका है, आपकी जैसी सिचुएशन हो आप उस हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। दिस कैन बी वेरीड
वेरिएंट माने चेंज कर सकते हो इसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिस हिसाब से उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको फेरबदल कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन फ्लेक्सिबल नहीं है, ये आसानी से और फटाफट से बदला नहीं जा सकता। और जो आई बात वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो की, ये तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है? इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। देखिए, एक कैश रिजर्व रेशियो अगर हम बदल देते हैं तो क्या क्या प्रभावित होता है? पूरे देश का बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होता है ना? छोटी सी चीज, छोटी सी रेशियो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश के हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इसको हम एकदम सिचुएशन के हिसाब से फेरबदल नहीं कर सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट से ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, ये थोड़ा सा है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है बैंक रेट। ठीक है, अब हम ये कंक्लूड करते हैं कि हर ईच मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। भले आप बैंक रेट की बात कीजिए, ओएमओ की बात कीजिए या कैश रिजर्व की बात कीजिए, हर मेथड का अपना ही फायदा और अपना ही नुकसान है। उसका फेर बदल, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी। हम ये भी मानते हैं कि नो मेथड अलोन कैन प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट्स। कोई भी एक तरीका सफिशिएंट नहीं है हमारे देश को चलाने के लिए। अगर आप चाहो कि हमने क्रेडिट को जो स्क्वीज करना है या कम करना है तो बस एक ओएमओ से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक तरीका बिल्कुल सही साबित नहीं होगा, आपको उनको कंबाइन करना पड़ेगा इफेक्टिव रिजल्ट के लिए, देश को चलाने के लिए। सिर्फ एक तरीके के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता आरबीआई। All these three methods should be judicially combined. बहुत सोच विचार करके इन तीनों के साथ ही चलना पड़ता है। In the proper and right proportions, कितना 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 OMO करना है, कितना bank rate करना है, कितना cash reserve करना है, तो इन तीनों को समझदारी के साथ मिलाइए और proper proportion में कितना कितना weightage इनको देकर ऐसा बढ़ेंगे तो हमारे देश का जो ये credit control है, इसका मुद्दा जो है, इसके उद्देश्य को हम पहुंच पाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से हम चल पाएंगे। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को मिलकर चलाना ही समझदारी की बात है। आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ आया होगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।